अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एमयू के कुछ रिजल्ट है आज अपलोड किए गए हैं। ये आपको एमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। जब आप जाएंगे एमयू कंट्रोलर की वेबसाइट पे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडमिशन का। इसमें आपको रिजल्ट ऑफ एडमिशन टेस्ट, इस पर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा और सबसे ऊपर लिखा होगा फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। इसका रिजल्ट आया है। इसमें आपको बीएससी की 3 लिस्ट अपलोड की गई हैं, जैसे कि सबसे पहली लिस्ट है सिलेक्टेड लिस्ट स्टूडेंट्स की, उसके बाद है चांस मेमो लिस्ट यानी वेटिंग लिस्ट, और इसमें आपको स्पेशल कैटेगरी की लिस्ट है जिसमें सिलेक्टेड और वेटिंग वाले दोनों ही रहते हैं। इसमें आपका बीएससी एग्रीकल्चर का रिजल्ट है। और एक और रिजल्ट यहाँ पे अपलोड किया गया है। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ब्रिज कोर्स का। ब्रिज कोर्स उन लोगों के लिए होता है जो स्टूडेंट्स मदरसे से पढ़े होते हैं, जिनके पास अपने स्कूल्स की डिग्री नहीं होती है, वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं अपने मदरसे की डिग्री से 11th क्लास में। तो उनके लिए दो लिस्ट आती हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के अलग अलग लिस्ट आती हैं। इसमें आपकी दो लिस्ट आई हैं, सबसे पहले सिलेक्टेड लिस्ट है और उसके बाद आपकी चांस मेमो लिस्ट है। और जो आपका एक और इसमें अपडेट देनी थी कि अभी बीएससी, जैसे कि आपको पूरे 12 दिन के बाद यहाँ पे जो है रिजल्ट अपलोड किया गया है। इससे पहले जो रिजल्ट आया था वो आया था आपका सीनियर सेकेंडरी का क्लास 11th का। ये आपका 19 अगस्त को रिजल्ट अपलोड किए गए थे, उससे दो दिन पहले यहाँ पे आपके 3 जो है रिजल्ट आए थे। सबसे पहले जो आपका बीटेक का रिजल्ट आया था और आपका एमबीए का रिजल्ट आया था और एमएसडब्ल्यू का 17 अगस्त को यहाँ पे जो है रिजल्ट अपलोड किए गए थे। तो अब स्टूडेंट्स के ये भी डाउट था कि बीए बीकॉम और आपका जो है इन सब का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है तो अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, जबकि इनका जो है सबसे पहले एंट्रेंस हुआ था। तो उसके पीछे की रीज़न जो था वो अभी पता लगा है। इसमें आपको जब आप बैक आएंगे तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है एडमिशन पे, ऊपर आने के बाद, और यहाँ पे जनरल एडमिशन पे क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिसीजन रिगार्डिंग, यहाँ पे आपका जो आंसर की होती है उसमें। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपका टेस्ट हुआ था उसमें आंसर कीज में कुछ गलतियाँ थी जो कि एमयू ने वापस से रीअपलोड किया है। जब आंसर की अपलोड की थी उसके कुछ दिन के बाद उसमें चेंजेस के लिए अप्लाई के लिए आता है कि आपको अगर कुछ आंसर की में गलती लगती है तो आप चैलेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ने चैलेंज किया था, उसके बाद उसमें रिवाइज आंसर की जो है अपलोड की गई है, बी कॉम की भी, बी ए एल एल बी की और बी ए की। इसी वजह से अभी तक रिजल्ट अपलोड नहीं किया गया है। आपको पता हुआ सबसे पहले क्लास 9th में भी ऐसी हुआ था कि उसकी आंसर की रिवाइज आंसर की आई थी, उसके दो दिन के बाद आपका जो है रिजल्ट अपलोड कर दिया गया था। 11th में भी यही हुआ, जो आपकी 11th की रिवाइज आंसर की आई थी चैलेंज करने के बाद, उसके बाद आपके दो दिन के बाद उसका रिजल्ट अपलोड कर दिया गया। तो यहाँ पे भी बीकॉम और बीए और बीएलबी की भी अभी रिवाइज आंसर की अपलोड की गई है कुछ दिन पहले। तो अब जल्द ही आपका जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि आज मंडे है तो मंडे में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कोई रिजल्ट आ सकता है, तो आपका बीएससी का रिजल्ट आ गया, बीएससी एग्रीकल्चर का। अब उसी तरीके से यहाँ पे एक दो दिन में हो सकता है आपका बीए एलएलबी और जितने भी आपके हैं उन सब का भी आज से रिजल्ट आ जाए, बीए बीकॉम बीएलबी। तो इन सब का रिजल्ट भी जल्दी ही इंशाल्लाह आ जाएगा। आपको बस जो है वेबसाइट पे चेक करना है। वेबसाइट पे जैसे ही आएंगे तो आप रिजल्ट ऑफ एडमिशन टेस्ट पे क्लिक करके अपने जितने भी रिजल्ट हैं वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे तो आपका जो भी रिजल्ट होगा वो यहीं पे आपको शो करेगा और कहीं पे भी आपको रिजल्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी अगर अपडेट आती है रिजल्ट से रिलेटेड तो आपको इस चैनल पर बता दिया जाएगा। तो इस चैनल को से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।